बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल फर्जी इंजीनियर्स में दोस्तों, एंड आई होप आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और एक तरीका बताने वाली हूँ कैसे इंडिया में अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो उसे आप 15 मीटर से ऊपर उड़ा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप ड्रोन खरीदने वाले हैं या ऑलरेडी आपके पास है, तो इंडिया में जो लिमिट है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसमें आप केवल 15 मीटर आप जिस भी सरफेस पे हो, चाहे अगर आप छत से उड़ाओ तो छत से 15 मीटर, अगर आप रोड से उड़ाओगे तो रोड से 15 मीटर आप उतना ही ड्रोन अपना उड़ा सकते हैं। तो आज मैं उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके में बताने वाला हूँ, विदाउट एनी लैपटॉप। और ना ही आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं पहाड़ वगैरह में जाते हो तो आप अगर उड़ाना चाहते हो, क्योंकि शॉट जो है 15 मीटर ठीक ठाक है, बट लेकिन अगर बर्ड्स आई परफेक्ट व्यू चाहिए होता है तो उसके लिए हाइट ज़्यादा ही चाहिए होती है, तो ठीक है। और कौन सी ऐप है वो, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, कोई आपको लैपटॉप या फिर कोई भी इंटरनेट वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि बिना इंटरनेट परफेक्टली काम करती है और iOS एंड Android दोनों में ही बहुत अच्छे से काम करती है। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और उड़ाएंगे हम इसे पूरा 15 नहीं पूरे 100-150 मीटर तक। चलो अब हम लोग जल्दी से अपने ऐप के इंटरफेस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ड्रोन जैसे ही आप ऑन करेंगे, ये मैंने एक 5 मिनट की वीडियो बना रखी है हाउ टू फ्लाई अ ड्रोन, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही ऑन करेंगे ऐसे आप देख सकते हैं कि जो गिम्बल है अपने आपको रियलाइन करता है, ठीक है। ड्रोन को नीचे रख देता हूँ, अब मैं खोलता हूँ ऐप, तो देख सकते हैं हमें ये दो ऐप चाहिए, DJI Fly ऐप और रेनबो ऐप, ठीक है। और मैं ऊपर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैंने एयरप्लेन मोड में फ़ोन को डाल दिया है ताकि मतलब कोई भी डाउट ना रहे कि नेट वगैरह तो नहीं खुला है। और एक जो ड्रोन और RCA कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, हमें चाहिए ब्लूटूथ खुला होना चाहिए, और ये मैंने अपना रिमोट भी ऑन कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं DJI Fly ऐप खोलूँगा, ये देख सकते हैं आप, अपने आप ही ये कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही इसमें जो ड्रोन देख रहा है, ड्रोन का गिम्बल देख रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो हमारे छत पे कपड़े सूख रहे हैं पीछे वो आ रहे हैं, ठीक है। यदि गिम्बल का मूवमेंट कर लेंगे, उसके बाद मैं ऊपर से लिमिट दिखा दूँ तो लिमिट केवल आ रही है 15 मीटर, ठीक है ना। तो इस 15 मीटर को हमें ले जाना है 500 मीटर पे, तो उसके लिए हमें चाहिए थर्ड पार्टी ऐप जो कि है ये रेनबो एप्लीकेशन। तो इसको आप जैसे ही खोलेंगे, ये भी DJI Fly जो ऐप है उसके जैसी ही है, ठीक है। फ्लाई ड्रोन पर आप क्लिक करेंगे, सेम लगभग मिलता जुलता आपको इंटरफेस दिख जाएगा। सबसे पहले लॉगिन के लिए पूछेगा, जिस पर आप स्किप लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसका इंटरफेस लगेगा, पर मिलता जुलता ही है जो ड्रोन DJI Fly ऐप है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आ रहा है रेडी टू गो, इस पर क्लिक करके सेट मैक्स फ्लाइट एल्टीट्यूड को आपको करना है 500 मीटर। इसको जैसे ही टाइप करके आप डन करेंगे, एग्री कर लें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ड्रोन अब 500 मीटर उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। अब चाहे तो आप DJI फ्लाई ऐप से उड़ा सकते हैं, चाहे आप रेनबो ऐप से उड़ा सकते हैं। तो इसका ऐप, इसका इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब हम चले जाते हैं DJI Fly ऐप में। तो आप देखेंगे कि जो मैक्स एल्टीट्यूड है अपने आप ही 500 मीटर हो चुका है, ठीक है। तो लो बैटरी हो रही है, कोई नहीं। तो अगर हाँ, आपको ड्रोन उड़ाते वक्त ना अगर बैटरी भी लो हो जाती है फ़ोन की, तो इसमें कंट्रोल्स में आपका नीचे ऑप्शन आता है जिसको आप ऑन कर सकते हैं, फ़ोन चार्जिंग। ये तो एक ये बोनस टिप हो गई कि आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं अपना रिमोट से ड्रोन उड़ाते उड़ाते। अब मैं ड्रोन को ले जाता हूँ ऊपर, और अभी जो ये हमारा 15 मीटर जाता था, अब देखना आप कितना जाएगा ऊपर। हमेशा देख के उड़ाएं कि कुछ होने का तो नहीं, आसपास मतलब देख के उड़ाएं कि है। तो ये हमारा ड्रोन है, अब नीचे देख सकते हैं आप हाइट जो आ रही है, हवा भी तेज चल रही है, तो हाइट जो आ रही है अभी 1 मीटर आ रही है। अभी से हम पूरा 500 मीटर तक ले जाते हैं, ठीक है ना। और मैं इधर आपको दिखाता हूँ जो नैनीताल के पहाड़ हैं उनका व्यू। तो चलो अब चलना शुरू करते हैं। और ये जो ऊपर जो N लिखा हुआ रहा है, N मोड मतलब नॉर्मल मोड पर अभी मैं उड़ा रहा हूँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है। तो ये अब हमारी हाइट बढ़नी शुरू हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आप अभी ये आ चुका है 15 मीटर पे, 17 मीटर पे। तो इतना ही व्यू मिल सकता है अगर आप नॉर्मली विदाउट हैक उड़ाएंगे। अब मैं इसे ले जाता हूँ पूरा 150-200 मीटर तक, और
अगर आपको पता होगा कि ड्रोन में तीन मोड आते हैं, नॉर्मल मोड, सिनेमैटिक मोड और स्पोर्ट्स मोड, तो मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में कर देता हूँ, तो जिससे ड्रोन के प्रोपेलर्स की घूमने की स्पीड भी बढ़ जाती है और ड्रोन की हाइट वगैरह मतलब स्पीड बढ़ जाती है, मतलब इन नॉर्मल वर्ड्स। तो देख सकते हैं आप 100 मीटर हमारा ड्रोन क्रॉस कर चुका है इस टाइम, और बहुत ही सुंदर सामने पहाड़ों का व्यू आ रहा है, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे नीचे गोलन नदी भी बह रही है। तो जैसे ही आप 120 मीटर क्रॉस करेंगे, इस टाइप की एक लोकल लॉज को चेक करने की एक वार्निंग आएगी, ठीक है, उसके बाद हम इसे और ऊपर उड़ाते जाएंगे। देख सकते हैं आप 140 मीटर क्रॉस कर चुका है ये ड्रोन हमारा, और ऊपर जितना हाइट पे जाता है ना उतने कार वगैरह देख सकते हैं, बहुत छोटी दिख रही है, एक अलग ही मैजेस्टिक व्यू आता है यार ड्रोन से। तो ये इस टाइम हम 200 मीटर पे पहुंच चुके हैं, 200 मीटर हाइट बहुत होती है, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा व्यू। अब मैं इसे जल्दी से नीचे उतार लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जो 61% बैटरी आ रही है, जब भी आप ड्रोन फ्लाई करें हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दूर भेजें ड्रोन, चाहे हवा में भेजें, जितनी बैटरी जाने में लगी है उससे डबल मतलब लगभग वापस आने के लिए हो, क्योंकि कई बार हवा तेज़ हो जाती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आपका ड्रोन कहीं गिर सकता है, ठीक है। तो ये अभी नीचे को आ रहा है बहुत तेज़ी से, 120 मीटर से नीचे आ चुका है, और ऐसे शॉट के लिए मैंने जैसे स्पोर्ट्स मोड डाला, बट स्पोर्ट्स मोड में ना शॉट कभी भी स्मूथ नहीं आता है, तो ट्राई करना कि आप प्रैक्टिस करो नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड में बहुत बढ़िया शॉट आता है। ये तो अभी पूरी जो आपके सामने रोड दिख रही है, नैनीताल रोड, अब हवा तेज़ है, मैं जल्दी से इसे उतार लेता हूँ। तो ये अभी हमारा ड्रोन लैंड हो चुका है। अभी आपने जो ये देखा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप 15 मीटर से 500 मीटर आप उड़ा सकते हैं, चाहे आप शादी वगैरह में उड़ाते हैं या फिर कहीं पे पहाड़ वगैरह में जाते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ही सिंपल तरीका, बस रेनबो ऐप डाउनलोड करनी है, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड हो, और आप उड़ा सकते हैं अपना ड्रोन 500 मीटर तक, ठीक है। और इसके बाद आगे भी चैनल पर ड्रोन से रिलेटेड, और अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो इस टाइप के गैजेट्स जैसे बेस्ट वायरलेस माइक, बेस्ट कैसे आप हेलमेट अपना सेटअप कर सकते हैं गोप्रो वाला, तो उस टाइप के रिलेटेड वीडियोस बहुत आने वाली। तो काम का चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, ठीक है। और अगर आपकी ड्रोन से रिलेटेड कोई और क्यूरीज है या फिर आप कुछ क्यूरियोसिटी है तो ज़रूर आप पूछना कॉमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर करूँगा, और अगर बढ़िया सा टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ऐसी बने रहो, जय हिंद, और सपोर्ट करते रहना, बाय बाय। तो ये मेरे हाथ में टॉय ड्रोन है, DJI मिनी 2, और इस को बाय कैसे किया, क्या किया, आप नीचे एक व्हाट्सएप आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डिटेल शेयर कर दूँगा आपको व्हाट्सएप पे।